गाइस, जो सवाल आप लोगों का है वही सवाल मेरा भी है कि आखिर कब तक हमें ऑटो प्ले को झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले मिनी क्लिप ने हमें पोस्ट करके बताया था कि भाई घर की सफाई जारी है, बहुत ही जल्दी हम इन सभी जो ऑटो प्ले यूज़र्स हैं इनकी आईडीज़ भी बैन करेंगे और ऑटो प्ले को भी बैन करने वाले हैं। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। गाइस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑटो प्ले कभी भी बंद नहीं होगा क्योंकि ऑटो प्ले खुद मिनी क्लिप ने बनाया है या फिर मिनी क्लिप उससे कमीशन लेता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। और मैं हमेशा मिनी क्लिप को डिफेंड करता था क्योंकि मुझे लगता था कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गेम जो है ना वो अपनी ही गेम के लिए थर्ड पार्टी ऐप नहीं बना सकती या उसको प्रमोट नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं खुद मिनी क्लिप की हिस्ट्री देखता हूँ, इतनी पुरानी हिस्ट्री है मिनी क्लिप की, इतनी बड़ी बड़ी गेम्स बनाई है मिनी क्लिप ने, लेकिन मिनी क्लिप एक ऑटो प्ले के सामने कैसे हार मान सकता है यार। बात तो सही है। और गाइस, जानते हो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मिनी क्लिप ने हार मान ली है? क्योंकि आप नोट करें, 3-4 महीने पहले तक मिनी क्लिप जो है ना महीने में 1-2 बार पोस्ट करके हमें बता देता था कि भाई ऑटो प्ले के खिलाफ हमने ये काम किया है, आप हमारी हेल्प करें, ऐसे हेल्प करें, आप रिपोर्ट करें हैकर्स को। लेकिन आप लोग नोट करें, पिछले 3-4 महीने से ऑटो प्ले के अगेंस्ट में मिनी क्लिप ने कोई भी पोस्ट नहीं किया है। इसका क्या मतलब हो सकता है आखिर? ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़े। देखें गाइस, मैं मिनी क्लिप को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यार ऑटो प्ले मिनी क्लिप का नहीं है और ना ही मिनी क्लिप इससे कमीशन लेता है। ऑटो प्ले एक थर्ड पार्टी ऐप है जिसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर ऑटो प्ले मिनी क्लिप का होता तो सोचे मिनी क्लिप ऑटो प्ले वाली आईडीज को क्यों बैन करता, मिनी क्लिप प्रमोट करता ना ऑटो प्ले को। हाँ, अगर आप लोगों में से किसी के पास प्रूफ है कि मिनी क्लिप ऑफिशियली ऑटो प्ले को प्रमोट कर रहा है तो लाएं वो प्रूफ सामने, फिर देखते हैं मिनी क्लिप को आप भेजें। अगर आपके पास प्रूफ है ऐसा कोई तो मुझे इंस्टाग्राम पर। लेकिन गाइज, अगर आप किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। और मुझे लगता है मिनी क्लिप ऐसा ही करना चाहता है क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर भाई आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं यार, मिनी क्लिप ऑटो प्ले के साथ में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक वर्ल्ड टॉपर की प्रोफाइल पिक्चर दिखाता हूँ। इसकी आप आईडी नोट करें तो डार्क फ्यूचर 1 करके इसकी जो है ना वो इन गेम आईडी है, और यहाँ पर चेक करें तो भाई सेम आईडी मिनी क्लिप ने बैन कर दी है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं ये लोग ऑटो प्ले यूज़ कर रहे होते हैं। और एक और आईडी देखें, इसकी आप इन गेम आईडी चेक करें तो MOHD 12 24 94 करके इसकी इन गेम आईडी है, और ये देखें भाई MOHD 12 24 94, ये सारे जो वर्ल्ड में टॉप के 10 मतलब जितने भी प्लेयर्स आते हैं या कंट्री टॉप कर रहे होते हैं ये सारे ऑटो प्ले यूज़ करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, और मिनी क्लिप इन सब की आईडीज़ बैन कर रहा है। इस तरीके के जितने प्रूफ्स आप लोग मांगोगे मैं आपको उतने प्रूफ्स दे सकता हूं। इससे ये तो यार प्रूफ हो जाता है कि मिनी क्लिप मतलब ऑटो प्ले को प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि मिनी क्लिप कुछ तो कर रहा है ऑटो प्ले के अगेंस्ट में, लेकिन फिलहाल मिनी क्लिप चुप है। और यार मुझे लगता है इस बार की जो चुप है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मिनी क्लिप को कम से कम कुछ पोस्ट वगैरह करके बताना चाहिए ताकि लोग जो है ना बिल्कुल भी तंग ना हो जाएं। मिनी क्लिप अगर इस तरीके की छोटी मोटी पोस्ट करके बताता रहेगा कि हमने ये कर दिया, और अगर किसी वर्ल्ड टॉपर की आईडी बैन करता है तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ मतलब पोस्ट वगैरह करके बताता रहे तो लोगों में एक मोटिवेशन रहेगी। तो बाकी आई होप यार, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके माइंड में जो चीज़ थी कि भाई मिनी क्लिप ऑटो प्ले को प्रमोट करता है, अभी तक वो भी क्लियर हो गई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।